मौजूद हैं राजधानी लखनऊ की इको गार्डन के बाहर, जहां पर शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर यहां पर शिक्षक मौजूद हैं जो धरना दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहां पर किस तरह से भारी संख्या में महिलाएं और पुरुष जो है शिक्षक यहां धरने में बैठे हुए हैं। उनकी ये मांग है कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला हुआ है उसकी जाँच की जाए। क्या ये चाहते हैं यहाँ पर हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर कुछ लोग जो धरने बैठे हुए हैं, उनकी क्या मांग है। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि अपना परिचय देते हुए, जो आप लोग धरने बैठे हुए हैं, 544 दिन हो गए आप लोग को यहाँ बैठे हुए धरने पर, तो क्या मांग है आपकी। देखिए हम लोग, मेरा नाम विक्रम यादव है, मैं जनपद प्रजावास से आया हूँ। हम लोग यहाँ पिछले 544 दिन से धरने पर बैठे हैं। बैठने का कारण ये है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 69 शिक्षक भर्ती में OBC/ST समाज के 6,800 लोगों को एक षड्यंत्र के तहत नौकरी से वंचित किया, और इन OBC/ST समाज के लोगों की जगह इस योगी सरकार ने अपनी जात विशेष के लोग अर्थात सवर्ण समाज के लोगों को अवैध रूप से नियुक्ति पत्र दिया है। इसके परिप्रेक्ष्य में हम लोग NCVC यानी राष्ट्रीय पेशावर आयोग गए। राष्ट्रीय पेशावर आयोग ने 29 अप्रैल 2021 को अपनी रिपोर्ट दी, जिस रिपोर्ट में आयोग ने खुलासा किया कि इस भर्ती में व्यापक लेवल का आरक्षण घोटाला किया गया है। पीड़ित छात्रों को तत्काल न्याय दिया जाए, दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। दूसरे एडवियंस के तौर पर उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने इस भर्ती की स्वयं जाँच कराई। जाँच में पाया गया कि इस भर्ती में व्यापक लेवल का आरक्षण घोटाला हुआ है। उसके बाद 13 मार्च 2023 को माननीय हाईकोर्ट ने भी माना कि इस भर्ती प्रक्रिया में बड़े लेवल से विसंगति की गई है। लेकिन बड़े खेद की बात है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने अर्थात इस योगी सरकार ने हम पीड़ित OBC/ST समाज के लोगों को पिछले 3 साल से आज तक न्याय नहीं दिया है। हम लोग अपनी न्याय को लेकर के, अपनी मांग को लेकर के पिछले 544 दिन से यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग BJP सरकार में, चाहे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हों, चाहे डिप्टी CM माधवी केशव प्रसाद मौर्या जी हों, चाहे BJP कार्यालय हो, चाहे विधानसभा का घेराव हो, बेस शिक्षा मंत्री संदीप सिंह का आवास हो, अर्थात कहने का मतलब मेरा ये है कि जितने भी सरकार में हैं, चाहे उनका कार्यालय हो, उनका आवास हो, ऐसा कोई जगह हम लोगों ने नहीं छोड़ा जहाँ हम लोग नहीं गए हों। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा हम लोगों के साथ बर्बरता से लाठीचार्ज किया जाता है, बहनों के साथ बर्बरता की जाती है। जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को चाहिए कि हम OBC/ST समाज के लोगों को जो समस्या है उसे सुन करके तत्काल उसका समाधान निकाला जाए। हम लोग इस विगत 544 दिन से शांतिपूर्ण तरीके से धरने पर बैठे हुए हैं। अगर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हम लोगों की मांगों को शीघ्र नहीं मानती तो हम लोग उग्रवादी प्रदर्शन करने के लिए विवश होंगे। जय हिंद, जय भारत। जिस तरह से जो पीछे बैनर लगा हुआ है वहाँ पर लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री जी ने जो घोटाला हुआ है उसकी उसको माना भी है, लेकिन अभी तक उसका निष्कर्ष नहीं निकला, इस पर क्या कहना है। अब वही तो नहीं समझ में आ रहा है कि वो हम लोग को नियुक्ति पत्र क्यों नहीं देना चाह रहे हैं। हम लोग 544 दिन से संघर्ष कर रहे हैं, यहाँ मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, यहाँ खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं, ना खाने की व्यवस्था है, ना ओढ़ने की व्यवस्था है, लेकिन सरकार को बिल्कुल भी दया नहीं आ रही है हम लोग के ऊपर। हम लोग क्या मांग रहे हैं उनसे, घर द्वार तो मांग नहीं रहे, अपनी नियुक्ति पत्र मांग रहे हैं जो हमारा हक है, हमारा अधिकार है। और ऐसा तो नहीं है कि हम लोग नाजायज मांग कर रहे हैं, हमारी सारी मांगें जायज़ हैं। तो आप लोग ने धरने से पहले तो बातचीत करी होगी ना इस योगी जी से या फिर किसी मंत्री से। नहीं, मंत्रियों से बात की है, योगी जी से भी बात नहीं हो पाई है, और यही कोशिश में हम लोग लगे हैं कि उनसे हमारी बात वहाँ तक पहुँच जाए। ज्ञापन नहीं दिया आपने? ज्ञापन ओपन सब कुछ दे दिया गया है। अभी सब जगह जाते हैं तो वहाँ सिर्फ आश्वासन मिलता है, लाठियाँ मिलती हैं, इको मिला के फेंक दिया जाता है बस। आप लोग यहीं के ही, लखनऊ के या फिर बाहर के आप लोग? कानपुर से। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से सब लोग आए हुए हैं? हाँ, 75 जिलों से ही सब लोग आए हुए हैं। कंटिन्यू आप लोग यहीं, मतलब 544 दिन जो हो गए हैं वो आप लोग यहीं बैठे हुए हैं? हाँ, यहीं पर बैठे हुए हैं, लगातार अपना दर्द सरकार को सुनाने के लिए बैठे हुए हैं। अब देखिए सरकार कब तक सुनती है। हाँ, लेकिन हाँ, इस आशा और उम्मीद से बैठे हुए हैं कि जिस दिन हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हो जाएगी उस दिन हमको न्याय मिल जाएगा। पिछड़े लिखा, पिछड़े आप लोग जिस तरह लिखा कि पिछड़े दलित अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं हुई है, तो क्या कहेंगे इस पर? पिछड़े दलित, अब आरक्षण पिछड़े दलित को ही मिलता है, तो आरक्षण में घोटाला किया गया है, तो पिछड़े दलित क्या बात कहेंगे? पिछड़े दलित को क्या, वैसे तो हिंदू की बात करते हैं कि हिंदू, तो क्या हम हिंदू नहीं हैं? पिछड़े दलित को दरकिनार कर दिया गया है, हमारी 68 सीटें ले ली गई हैं, एक विशेष वर्ग को दे दिया गया है। माननीय मंत्री जी ने हमारी पीड़ा सुनी और हमारी लिस्ट भी निकाली, लेकिन अब वही लोग बताएं कि हमें नियुक्ति क्यों नहीं दी जा रही है, ये तो हम नहीं बता पाएंगे ना। हम तो अपने पिछड़े दलित होने का दर्द भोग रहे हैं, कष्ट भोग रहे हैं, ये तो वही उनसे ही क्वेश्चन पूछा जाए कि क्यों नहीं दिया जा रहा है। क्या चाहती हैं आप लोग? मतलब इतना टाइम हो गया है तो आप लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं, ठंड का मौसम है, आप लोग क्या दिन रात यहाँ यहीं बैठे रहते हैं?
दिन रात यहीं बैठे रहते हैं, ठंड का मौसम है, खाली हम अपने नियुक्ति पत्र चाहते हैं, जो हमारी लिस्ट निकाली गई उसको हमारे नियुक्ति पत्र में हमें तब्दील किया जाए, खाली हमको लॉलीपॉप नहीं चाहिए। अभी तक जितने मंत्री भी शायद आपसे यहाँ मिलने आए होंगे, तो उनकी तरफ से क्या मिला आपको आश्वासन? हमारे सत्ता पक्ष से कोई भी मंत्री हमसे मिलने नहीं आया, हमको ऐसे बेसहारा छोड़ दिया गया है। नारी सशक्तिकरण का नारी बंधन की बात करते हैं, लेकिन यहाँ कहीं कोई धरातल पर कहीं नारी सशक्तिकरण नहीं दिख रहा है। हम लोग दिन रात यहीं बैठे रहते हैं। हाँ, विपक्ष के लोग कुछ लोग आते हैं, वो कहते हैं हमारी बात संसद में उठाते हैं, सदन में उठाते हैं, बात करते हैं, लेकिन अभी तक सत्ता पक्ष से कोई भी मंत्री विधायक हमसे मिलने नहीं आया। तो मतलब क्या कहने का मतलब है कि जो सत्ता में सरकार है बीजेपी की, वो काम जो है शिक्षकों के लिए या फिर किसी भी वर्ग के लिए अच्छा नहीं कर रही है? क्या अच्छा कर रही है? लिस्ट निकाल के हमको तो पिछड़ों दलितों के साथ तो अच्छा नहीं कर रही है। हाँ, फिर लिस्ट निकाल के हमको सड़क में बैठाए हुए है, बाकी अब जिसके लिए अच्छा कर रही हो वो जाने। मांग एक धरने के दिन बढ़ते जा रहे हैं आप लोगों के, तो आगे का क्या सोच के रखा है आप लोगों ने? धरना क्या धरना, हम तो अपना कोशिश करते रहेंगे, लगातार प्रयास करते ही रहेंगे, बाकी देना ना देना माननीय योगी जी के हाथ में है, हम तो अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। जैसे कि कह रही हैं कि आगे के क्या मतलब प्रोसीजर हैं, तो हम लोग भी डटे रहेंगे यहाँ पर, अनवरत धरने पर रहेंगे और तब तक रहेंगे जब तक हमको नियुक्ति पत्र हमारे योगी जी माननीय योगी जी है वो हमको दे नहीं देते तब तक। अब चाहे लाठी खाना पड़े, चाहे यहाँ मार खानी पड़े, पिटना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन हम नियुक्ति पत्र यहाँ से लेकर ही जाएंगे। जैसा कि आपने देखा कि 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर इको गार्डन में भारी संख्या में यहाँ पर शिक्षकगण मौजूद हैं, जो अपनी नियुक्ति पत्र की मांग कर रहे हैं योगी जी से। उनका यही कहना है कि हमें हमारी नियुक्ति दी जाए, जो घोटाला हुआ है उसकी जांच भी हो गई, उन्होंने उसको मान भी लिया है, फिर भी वो नियुक्ति रुकी हुई है। तो ये वही चाहते हैं कि इनकी जो भी यहाँ पे लोग बैठे हुए उनकी ये मांग है, जल्द से जल्द इनकी मांग को पूरा किया गया। वीडियो जर्नलिस्ट अनुज के साथ मनु तिवारी, वी न्यूज़ लखनऊ। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन दबाना न भूलें।